नमस्कार दोस्तों, आलोकन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज इतिहास के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। टॉपिक है हमारा सूत्रकाल। सूत्रकाल की रचना उत्तर वैदिक काल के बाद में छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक की गई थी। ठीक है, हमारा टॉपिक है सूत्रकाल, और सूत्रकाल के अंतर्गत जो साहित्य रचा गया था उसकी रचना की गई थी छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अंतर्गत। तो आज हम सूत्रकाल के अंतर्गत, सबसे पहले सूत्रकाल के अंतर्गत जो साहित्य रचा गया है वो क्या है उसके बारे में देखेंगे। यानी सूत्रकाल क्या है, इसको देखेंगे, इसका उद्देश्य क्या था, इसको समझेंगे, उद्देश्य क्या था इसको समझेंगे, और इसमें हमें जानकारी क्या मिलती है, उसको देखेंगे। जानकारी से मतलब ये है कि उस समय के आर्थिक जीवन के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में, धार्मिक जीवन के बारे में और राजनीतिक जीवन के बारे में अगर हमें कोई जानकारी मिलती है तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो विस्तार से इन चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं सूत्रकाल क्या है, इसको समझते हैं। तो जो सूत्रकाल या सूत्र साहित्य लिखा गया था ये बेसिकली है क्या कि जो वैदिक काल के अंतर्गत जो साहित्य था उसको परमानेंट बनाने के लिए, यानी एक तरीके से अक्षुण बनाने के लिए या उसको संक्षिप्त करने के लिए, एक तो संक्षिप्त करने के लिए और जो वैदिक साहित्य है उसको अक्षुण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य की रचना की गई, सूत्र साहित्य की रचना की गई। ठीक है, यानी सूत्र साहित्य की रचना का उद्देश्य क्या है या फिर ये किस लिए लिखा गया, तो जो वैदिक साहित्य था जो एक तरीके से स्मृति के ऊपर आधारित था उसको छंदबद्ध किया गया या फिर उसको एक तरीके से संक्षिप्त रूप में उसकी रचना की गई, इसलिए जो सूत्र साहित्य है उसकी रचना की गई थी। आगे अगर देखा जाए तो जो वैदिक साहित्य है उसको इस समय 6 भागों में बांटा गया। ठीक है, जो वैदिक साहित्य है उसको 6 भागों में बांटा गया। और ये जो 6 भाग हैं इनको अलग अलग नाम दिया गया, जैसे शिक्षा,
कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। यानी जो वैदिक साहित्य है उसको इस समय छह भागों में बांट करके अलग अलग नाम दिए गए, और ये नाम हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। और इनको जो नाम दिया गया वो है वेदांग। यानी ये जो प्रसिद्ध होते हैं वो होते हैं वेदांग साहित्य के रूप में, ठीक है। और इन छह भागों के अंतर्गत भी जो सबसे महत्वपूर्ण है इनके अंदर, वो भाषा संबंधित चीज़ें हैं। और भाषा के अंतर्गत दो चीज़ें हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो है यास का निरुक्त और दूसरा है पाणिनि की अष्टाध्यायी। ये जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है ये वैदिकोत्तर साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ठीक है। और इसकी जो रचना की गई थी या इसका जो समय है वो लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है। तो हमने वेदांग के बारे में देखा, वेदांग के अंतर्गत हमने छह जो उसके अलग अलग अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त के बारे में देखा। और इनमें भी सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है भाषा संबंधित, और भाषा संबंधित जो चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं उसमें एक तो यास का निरुक्त सबसे महत्वपूर्ण है और एक है पाणिनि की अष्टाध्यायी। ये व्याकरण का ग्रंथ है पाणिनि की अष्टाध्यायी, और इसकी जो रचना की गई थी वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की गई थी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो सूत्र साहित्य है उसके अंतर्गत क्या आता है। तो जो कल्प है यानी वेदांग के अंतर्गत जो कल्प है उसी को एक तरीके से सूत्र साहित्य बोला जाता है, ठीक है। वेदांग के अंतर्गत जो कल्प है उसका एक भाग उसको सूत्र साहित्य कहा जाता है। और इस कल्प को तीन भागों में बांटा गया है। ये तीन भाग हैं श्रोत सूत्र, गह सूत्र और धर्म सूत्र। तीन भाग हैं इसके अलग अलग, श्रोत सूत्र, गह्य सूत्र और धर्म सूत्र, ठीक है। अब ये जो तीन भाग हैं श्रोत सूत्र, धर्म सूत्र और गह्य सूत्र, इनसे ही हमें परीक्षा से संबंधित काफ़ी जानकारी मिलती है। तो हम सबसे पहले तो जो तीन भाग, कल्प के तीन भाग हैं उनके अंतर्गत क्या दिया गया है, और फिर इनके अंतर्गत खास करके जो गह्य सूत्र है उसमें हमें हमारे सामाजिक जीवन के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है, तो उसको विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कल्प के अंतर्गत जो इसके तीन भाग किए गए हैं, स्रोत सूत्र, गह्य सूत्र और धर्म सूत्र, इनको समझते हैं। तो जो स्रोत सूत्र है इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है उसको देखते हैं। तो स्रोत सूत्र में हमें एक तो अग्नि, सोम और जो पंच महायज्ञ होते थे इनके बारे में जानकारी मिलती है। यानी अग्नि की जो आराधना होती है उसके बारे में इसमें दिया गया है,
सोम जो देवता है उसकी आराधना की पद्धति क्या है उसके बारे में जानकारी मिलती है, और पंच महायज्ञ जो होते थे या उस समय जो विभिन्न प्रकार के यज्ञ होते थे उनके बारे में इसमें स्रोत सूत्र के अंतर्गत जानकारी मिलती है। और अगर धर्म सूत्र की सॉरी ग्रह सूत्र की बात करें तो ग्रह सूत्र के अंतर्गत जो हमारे सामान्य जीवन में या उस समय का जो जीवन था उसमें जो उत्सव विभिन्न प्रकार के जो उत्सव वगैरह मनाए जाते थे उसकी जानकारी मिलती है, और इसमें भी यज्ञों से संबंधित जानकारी मिलती है। यज्ञों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। अब अगर धर्म सूत्र की बात करें तो धर्म सूत्र के अंतर्गत हमें विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों कानूनों व रहन सहन से संबंधित जानकारी मिलती है, रहन सहन से संबंधित जानकारी मिलती है, ठीक है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे सूत्र साहित्य की, और सूत्र साहित्य के अंतर्गत हमने देखा कि जो वैदिकोत्तर काल में या उत्तर वैदिक काल के बाद में जो वेदों को 6 अलग अलग भागों में बांट करके जो रचना की गई उसको वेदांग नाम दिया गया, और वेदांग का एक भाग है कल्प, और कल्प को बांटा गया है 3 भागों में, स्रोत सूत्र, गहे सूत्र और धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र के अंतर्गत अग्नि, सोम और पंच महायज्ञ या उस समय जो विभिन्न प्रकार के यज्ञ होते थे उसके बारे में जानकारी मिलती है, और गहे सूत्र है इसमें सामान्य जीवन में जो उत्सव और यज्ञों का जो आयोजन किया जाता था उसके बारे में जानकारी मिलती है, और जो धर्म सूत्र है उसके अंतर्गत विभिन्न रीति रिवाजों कानूनों व रहन सहन से संबंधित जानकारी मिलती है, ठीक है। अब अगर बात करें कि इस सूत्र काल में या ये सूत्र साहित्य रचा गया था इसमें और क्या जानकारी मिलती है, तो हमें सूत्र साहित्य में एक तो 4 आश्रमों के बारे में जानकारी मिलती है, 4 आश्रम व पुरुषार्थ के बारे में जानकारी मिलती है। अब अगर 4 आश्रमों की बात की जाए तो ये 4 आश्रम हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इन 4 आश्रमों की जानकारी हमें उत्तर वैदिक काल में भी मिलने लग जाती है, और इस समय सूत्र काल में भी हमें इनके बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। लेकिन इस 4 आश्रमों से संबंधित जो विस्तृत जानकारी है वो हमारे पिछले वीडियो में दी जा चुकी है। और अगर पुरुषार्थ की बात करें तो पुरुषार्थ के अंतर्गत 4 पुरुषार्थ होते थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जो पुरुषार्थ है उसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य के तौर पर देखा जाए तो ये जो मानव जीवन है इसको एक तरीके से व्याख्यायित करते थे, यानी जो जीवन का उद्देश्य है उसको व्याख्यायित करने का कार्य करते थे, यानी व्यक्ति को किस तरीके से एक सफल जीवन जीना चाहिए उसके बारे में इसके अंतर्गत जानकारी मिलती थी। आगे अगर देखा जाए तो जो गहे सूत्र है इसमें हमें सामाजिक जीवन से संबंधित काफ़ी विस्तार से जानकारी मिलती है, और वो जानकारी है जो हमारे जीवन में 16 संस्कार यानी तत्कालीन जीवन में जो 16 संस्कार होते थे उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, और 8 प्रकार के वैवाहिक विवाह से संबंधित जो पद्धति होती थी
उसके बारे में यहाँ जानकारी मिलती है। तो जो गृह सूत्र है उसमें हमें 16 संस्कार और 8 प्रकार के विवाह, विवाहों की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो 16 संस्कार हैं उनको समझते हैं, ये क्या होते थे, किस तरीके से इनको किया जाता था, समय क्या होता था और किस तरीके से इनको मतलब समय समय के ऊपर किया जाता था उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 16 संस्कार। यहाँ पर जो संस्कार शब्द है इसका मतलब होता है परिष्कार करना या फिर शुद्धिकरण। ठीक है, यानी जीवन को परिष्कृत किस तरीके से किया जाए या फिर उसको शुद्ध किस तरीके से किया जाए, तो इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है। और जो उद्देश्य इसके पीछे होता था, जो 16 संस्कार हैं उसका उद्देश्य होता था कि एक व्यक्ति को समाज के योग्य नागरिक के रूप में कैसे तैयार किया जाए। ठीक है, यानी व्यक्ति को समाज के योग्य नागरिक के रूप में तैयार करना। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं गृह सूत्र के बारे में, और गृह सूत्र में हमें दो चीज़ों के बारे में जानकारी मिल रही है, एक तो 16 संस्कार और एक 8 प्रकार के विवाह, विवाहों की जो पद्धति उस समय प्रचलित थी उसके बारे में। और यहाँ पर 16 संस्कारों के बारे में हमने देखा कि जो संस्कार शब्द है उसका मतलब है परिष्कार करना या जीवन को परिष्कृत करना या शुद्ध करना। और जो संस्कार हैं या 16 संस्कार हैं उनका उद्देश्य है व्यक्ति को एक समाज के योग्य नागरिक के रूप में तैयार करना। ठीक है, और ये जो संस्कार हैं ये व्यक्ति के जन्म पूर्व से लेकर मृत्यु पर्यंत चलते थे। ठीक है, यानी इनकी शुरुआत है जब बच्चा माता के गर्भ में होता था वहाँ से लेकर के अंतिम, यानी एक तरीके से अंत्येष्टि तक ये संस्कार अलग अलग समय के ऊपर किए जाते थे। तो हम लोग इनको बारी बारी से देखते हैं 16 संस्कारों को। और इनमें नंबर एक है गर्भाधान। नंबर एक संस्कार है गर्भाधान। गर्भाधान से मतलब यहाँ पर ये है कि जब स्त्री के गर्भ में जो बीज डाला जाता था उससे मतलब है यहाँ पर स्त्री के गर्भ में बीज डाला जाना। ठीक है, इसको बोला जाता था गर्भाधान। नंबर दो जो संस्कार है वो है पुंस्वन। नंबर दो संस्कार है पुंस्वन, और ये संस्कार गर्भधारण के तीसरे माह किया जाता था, तीसरे माह। और इसका उद्देश्य होता था पुत्र प्राप्ति, यानी पुत्र की प्राप्ति हेतु पुंस्वन नामक संस्कार गर्भधारण के तीसरे माह किया जाता था ताकि पुत्र की प्राप्ति हो। तीसरा जो संस्कार है वो है सीमांतोन्नयन। सीमांतोन्नयन तो
और इस संस्कार का उद्देश्य ये होता था कि जो गर्भिणी स्त्री है उसके बालों को उठा करके कुछ क्रिया की जाती थी ताकि किसी अनिष्टकारी शक्ति से बचा जा सके, शक्ति से बचा जा सके। ठीक है, अगर नंबर चार संस्कार की बात करें तो ये है जातक्रम, और ये संस्कार होता था बच्चे के जन्म के समय। तो हमने यहाँ पर चार संस्कारों के बारे में देखा। नंबर एक है गर्भाधान, ये स्त्री के गर्भ में जब बीज डाला जाता उसको बोला जाता है। नंबर दो है पुंसवन, ये बच्चे के गर्भ डालने के बाद यानी बच्चा जब गर्भ में 3 माह का हो जाता था तब ये किया जाता था। नंबर तीन है सीमांतनेन, ये किसी अनिष्टकारी शक्ति से बचने के लिए स्त्री के बालों को उठा करके कुछ क्रिया की जाती थी। और नंबर चार है जातक्रम, इसके अंतर्गत जब बच्चा जन्म लेता था उस समय ये संस्कार किया जाता था। नंबर पांच है नामकरण, बच्चे के जन्म के 8वें या 10वें दिन इस संस्कार को किया जाता था। नंबर छह के ऊपर जो संस्कार है वो है निष्क्रमण। इस संस्कार से तात्पर्य है कि जब बच्चा या जब बालक पहली बार घर से बाहर निकलता था यानी बच्चा जब पहली बार घर से बाहर निकल रहा है तब यह संस्कार किया जाता था। अगला संस्कार है अन्नप्राशन, इसका उद्देश्य होता था कि जब बालक पहली बार भोजन करता था या उसको कुछ खिलाया जाता था, पहली बारी कोई खाद्य सामग्री उसको खिलाई जाती थी तब ये संस्कार किया जाता था। और ये लगभग जब बच्चा 6 माह का होता था तब किया जाता था अन्नप्राशन। ठीक है, अगला है चूड़ाकर्म, और चूड़ाकर्म से तात्पर्य यहां पर है जब पहली बार बालक के बाल काटे जाते थे तो ये क्रिया होती थी 2 वर्ष या 3रे वर्ष। ठीक है, यानी पहली बार जो चूड़ाक्रम क्रिया है वो 2 वर्ष बाद में या 3रे वर्ष में होती थी। अगला है कर्ण भेदन, कर्ण भेदन से तात्पर्य है
कि जब बालक के कानों को छेदा जाता था तब ये क्रिया की जाती थी। जब बालक के कानों को छेदा जाता था और इस समय उम्र होती थी लगभग 5 वर्ष, यानी जब बालक 5 वर्ष का हो जाता था तब उसके कानों को छेद करके इस क्रिया को किया जाता था। ठीक है, अगला जो संस्कार है वो है विद्या आरंभ। विद्या आरंभ से तात्पर्य है जब बालक शिक्षा ग्रहण हेतु जाता था, यानी घर से गुरुकुल में या फिर कहीं और शिक्षा ग्रहण के लिए वो जब निकलता था तो ये विद्यारम्भ वाला जो संस्कार है वो किया जाता था और ये लगभग 5 वर्ष की आयु के पश्चात किया जाता था। यानी बालक 5 वर्ष की आयु जब पूरी कर लेता था तब उसको विद्यारम्भ वाला संस्कार करवाया जाता था। अगला जो संस्कार है वो है उपनयन। ये जो उपनयन संस्कार है ये जब बालक गुरुकुल में जाता था तब किया जाता था और इसके अंतर्गत होता ये था कि बालक गुरु के आश्रम में जाकर के एक यज्ञोपवीत या जनेऊ धारण करता था और उसके बाद में उसको द्विज की संज्ञा दी जाती थी, या द्विज से मतलब ये है कि उसका दूसरा जन्म होता था। यानी जब वो जनेऊ धारण कर लेता था तो उसको द्विज की संज्ञा दी जाती थी और तभी उसका ये उपनयन संस्कार होता था और इसके बाद वह गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करता था। जो जनेऊ उसके गले में डाली जाती थी उसमें 3 धागे होते थे और ये 3 धागे जो होते थे ये सत्य, रज और तम, इन 3 गुणों का प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, तो उपनयन संस्कार से मतलब है कि जब बालक गुरुकुल में जाता है तो गुरु के आश्रम में उसको जनेऊ धारण करके शिक्षा के लिए तैयार किया जाता है। अगला है वेदारंभ। वेदारंभ या वेदारंभ से मतलब ये है कि जब बालक का उपनयन संस्कार की जो क्रिया है वो पूरी हो जाती थी तो अब उसको क्या है वेदों की शिक्षा दी जाती थी, यानी वेदों का पाठ कराने या जो वेदों की शिक्षा है उसके बारे में उसको तैयार किया जाता था। तो इसके अंतर्गत बालक को वेदों की शिक्षा दी जाती थी। अगला जो संस्कार है वो है केशांत। या इसको गोदान भी बोला जाता है, केशांत अथवा गोदान, और इस संस्कार से मतलब
ये है कि जब बालक पहली बार दाढ़ी मूछ बनाता था तब ये संस्कार किया जाता था, ठीक है। और इसके बाद में जो अगला संस्कार है वो है समावर्तन, या समावर्तन संस्कार से मतलब ये है कि अब जो बालक गुरु के आश्रम में गया हुआ था उसकी शिक्षा समाप्त हो गई है और उस शिक्षा समाप्ति के ऊपर ये समावर्तन संस्कार किया जाता था। यानी शिक्षा समाप्त होने पर या घर वापसी के समय जिस संस्कार को किया जाता था वो है समावर्तन संस्कार। और जब बालक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा समाप्त करके घर वापस आता था तो उसके बाद में जो संस्कार होता था वो है विवाह। तो अगला संस्कार है विवाह। और इस समय बालक की उम्र होती थी लगभग 25 वर्ष, यानी 25 वर्ष की अवस्था में समावर्तन संस्कार पूरा होता था, उसके बाद में बालक घर आता है और उसका जो अगला संस्कार है वो है विवाह। और विवाह के बाद में क्या होगा कि जो स्नातक है वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, ठीक है। और जो अंतिम संस्कार है वो है अंत्येष्टि। 16वां जो संस्कार है वो है अंत्येष्टि। और ये अंत्येष्टि जो संस्कार है ये मृत्यु उपरांत की जाती है या की जाती थी। तो इस तरीके से जो गृह सूत्र है उसमें हमें 16 संस्कारों के बारे में जानकारी मिलती है। ये 16 संस्कार हमने अलग अलग तरीके से देखा, जिसके अंतर्गत हमने नंबर 1 के ऊपर देखा गर्भाधान, दूसरा नंबर पे है पुंसवन, तीसरे नंबर पर सीमांतनयन, नंबर 4 है जातक्रम, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाक्रम, कर्ण भेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत या गोदान, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। तो इस तरीके से व्यक्ति के जीवन में अलग अलग समय के ऊपर ये 16 संस्कार किए जाते थे। इन 16 संस्कारों के करने के कारण ही व्यक्ति को या व्यक्ति के जीवन को सफल माना जाता था, ठीक है। एक हमें गृह सूत्र के अंदर ही तत्कालीन समय में जो 8 प्रकार के विवाह होते थे उनकी जानकारी मिलती है। यानी जो अलग अलग प्रकार के विवाहिक पद्धतियां उस समय प्रचलित थी उनकी बारे में जानकारी भी हमें गृह सूत्र से मिलती है। तो उनको देखते हैं। एक तो जो विवाह है उसको उस समय पवित्र संस्कार के रूप में देखा जाता था, यानी विवाह एक पवित्र संस्कार के रूप में माना जाता था। विवाह एक पवित्र संस्कार के रूप में माना जाता था।
और जो विवाह की पद्धतियां थी, यानी अलग अलग तरीके से जो विवाह होते थे उनको अलग अलग तरीके से, या फिर एक तरीके से देखा जाए तो उनको उनकी जो क्वालिटी होती थी उसके आधार के ऊपर इनको विभाजित किया गया था। तो इनमें सबसे नंबर एक का जो वैवाहिक पद्धति है या विवाह होता था वो है ब्रह्म विवाह। ये जो ब्रह्म विवाह है इसके अंतर्गत होता क्या था कि जो लड़की के पिता हैं वो जो दूल्हा है उसको घर पे बुलाते थे और लड़की का विवाह करके भेज देते थे। यानी लड़की का पिता वर को घर बुलाता था और अपनी पुत्री को उसके साथ भेज देता था, ठीक है। और ये विवाह का प्रकार कौन सा है? ब्रह्म विवाह। इसमें हो क्या रहा है कि लड़की का पिता है वो वर को घर बुलाता है और अपनी लड़की के साथ में या कन्या के साथ में विवाह करके उसको भेज देता है। तो ये सबसे उच्च कोटि का विवाह माना जाता था, जो ब्रह्म विवाह है ये सबसे उच्च कोटि का विवाह माना जाता था। नंबर दो का विवाह है वो है देव विवाह। इस देव विवाह के अंतर्गत होता ये था कि जो कन्या का पिता है वो एक यज्ञ का आयोजन करता है और उस यज्ञ का जो संचालन करने वाला ब्राह्मण है उसी के साथ में कन्या का विवाह कर दिया जाता था। कहने का मतलब है लड़की का पिता यज्ञ का आयोजन करता है और जो ब्राह्मण यज्ञ का संचालन करता है उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देता है। ठीक है। तो ये भी एक तरीके से उच्च कोटि का विवाह ही माना जाता था, देव विवाह भी। अगला जो विवाह है वो है आर्ष विवाह। नंबर तीन का है आर्ष विवाह। इस विवाह की पद्धति में होता ये था कि जो लड़की के पिता हैं वो वर पक्ष से या तो एक गाय या बैल या फिर गाय और बैल की जोड़ी लेकर के अपनी कन्या का विवाह करता था। यानी धार्मिक कार्यों के लिए बैल या गाय लेकर के अपनी कन्या का विवाह करता था। ठीक है। तो जो कन्या का पिता है वर पक्ष से एक गाय या बैल या फिर एक जोड़ी गाय बैल की लेकर कन्या का विवाह करता था। ठीक है। तो इसमें वर पक्ष को कन्या पक्ष को कुछ देना होता था और उसमें सबसे बढ़िया चीज जो मानी गई है मांगी गई है वो है गाय या बैल। इसके बाद में जो विवाह है वो है प्रजापत्य विवाह।
और इस विवाह के अंतर्गत जो शर्त होती थी वो ये है कि जो पिता है लड़की का पिता, वो वर को और कन्या को ये आदेश देता था कि आप अपना जीवन या आपके जो कर्तव्य हैं उनका पालन करते हुए जीवन का निर्वाह करोगे। तो विवाह के समय ये शर्त रखी जाती थी या एक एक तरीके से आदेश के रूप में होता था। इस विवाह में कन्या का पिता दंपति को ये आदेश देता था कि अपना वैवाहिक जीवन कर्तव्यों का पालन करते हुए जिए, कर्तव्यों का पालन करते हुए जिए। तो इस तरीके से ये विवाह भी अच्छी क्वालिटी का या अच्छी पद्धति का माना जाता था। अब जो अगले विवाह हैं उनको सामाजिक दृष्टि से या उस समय का जो सामाजिक जीवन था उसमें थोड़ा नीचे दर्जे का माना जाता है। तो उनमें है सबसे ऊपर का जो विवाह है नंबर 5 का, वो है असुर विवाह। और ये जो असुर विवाह है ये एक तरीके का विक्रय विवाह था। इस विक्रय विवाह के अंतर्गत क्या होता था कि जो कन्या का पिता कन्या का मूल्य लेकर विवाह करता था, यानी एक तरीके से उसको बेच देता था। तो इसको थोड़ा निकृष्ट दृष्टि से देखा गया है। इसमें एक तरीके से जो मूल्य लेकर के बेचा जाता था कन्या को, तो ये निम्न श्रेणी का विवाह माना जाता था। अब इसी तरह से अगला जो विवाह है वो है गंधर्व विवाह। ये जो गंधर्व विवाह है ये एक तरीके का प्रेम विवाह होता था। प्रेम विवाह, और इसमें जो लड़का और लड़की है उनके माता पिता को जानकारी नहीं होती थी, यानी इसमें माता पिता को जानकारी नहीं होती थी, यानी अपनी स्वेच्छा से ये विवाह किया जाता था। ठीक है, और इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जो राजपूतों के अंदर स्वयंवर नाम के तरीके से जो विवाह होता था वो गंधर्व विवाह का एक तरीके से उदाहरण के रूप में हम उसको देख सकते हैं। अगला जो विवाह है वो है राक्षस विवाह। ये राक्षस विवाह है, इसके अंतर्गत होता ये था कि जो लड़की है उसका अपहरण करके विवाह किया जाता था। लड़की का अपहरण करके विवाह करना, और ये क्षत्रियों में काफी प्रसिद्ध था। यानी कन्या का अपहरण करके उसे विवाह किया जाता था। और जो अंतिम विवाह है वो है पैशाच विवाह। इसके अंदर क्या किया जाता था, या तो जबरदस्ती करके या फिर
बलात्कार आदि करके विवाह करना और इस पैशाच विवाह पद्धति को सबसे निकृष्ट पद्धति का माना जाता था। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा जो गृह सूत्र के अंतर्गत जो आठ प्रकार की विवाह पद्धति हैं उनके बारे में, उसमें चार हैं वो धर्म के अकॉर्डिंग माना गया है या उनको एक तरीके से अच्छी क्वालिटी की शादियां मानी गई थी उस समय जो विवाह होते थे, और चार जो अंतिम हैं जैसे असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह, उनको निकृष्ट श्रेणी में रखा गया है। तो इस तरीके से आठ प्रकार के विवाह उस समय प्रचलित थे। अब हम देखते हैं जो सूत्र काल में पुरुषार्थ के बारे में जो जानकारी मिलती है उसको देखते हैं। तो पुरुषार्थ के अंतर्गत धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष, इन चार को पुरुषार्थ के अंतर्गत रखा गया है और इनका जो उद्देश्य है वो ये है कि ये जीवन के या मनुष्य जीवन के जो उद्देश्य हैं उनको व्याख्यायित करने का कार्य करते हैं, व्याख्यायित करने का कार्य करते हैं, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनको चारों को मिलाकर के पुरुषार्थ नाम दिया गया है और इनको चारों को चतुर्वर्ग की श्रेणी में भी रखा गया है। चतुर्वर्ग की श्रेणी में भी रखा गया है और धर्म, अर्थ और काम, इन तीन को मिलाकर के त्रिवर्ग बोला जाता था। धर्म, अर्थ व काम, इन तीनों को त्रिवर्ग कहा जाता है और चारों को मिलाकर के चतुर्वर्ग नाम दिया गया था। तो इस तरीके से जो पुरुषार्थ है वो मनुष्य के जीवन के उद्देश्यों को व्याख्यायित करने के लिए बनाए गए थे, ताकि जो मनुष्य है वो अपने संपूर्ण जीवन में इनका पालन करे और जो जीवन है उसको सफल बनाए। अब हम देखते हैं सूत्र काल के अंतर्गत जो उस समय का सामाजिक और आर्थिक जीवन है उसके बारे में। कहने का तात्पर्य यह है कि जो वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन था उसमें और जो सूत्र काल है उसमें क्या परिवर्तन होता है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। होता ये है कि सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन इस समय देखा गया वो उस समय के सामाजिक जीवन के अंतर्गत देखा गया, तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस समय का जो सामाजिक जीवन है उसके बारे में, यानी सूत्रकालीन सामाजिक जीवन, सूत्रकालीन जीवन, और इसके अंतर्गत हम देखते हैं सामाजिक जीवन के अंतर्गत। सामाजिक जीवन के अंतर्गत होता क्या है सूत्रकाल के अंतर्गत, कि जो वर्ण आधारित समाज था या वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज था ये अब जातियों में बदल गया, जातियों में बदल गया, यानी समाज में अब और ज़्यादा कठोरता आने लग गई। पहले तो क्या था कि वर्ण व्यवस्था के ऊपर ही आधारित था समाज, अब धीरे धीरे क्या हो गया, समाज में जातियाँ बनने लग जाती हैं और जातियों में भी होता क्या है कि ये जो जातियाँ निर्धारित की जाती थी ये कर्म के आधार पर ना हो करके, कर्म के आधार पर ना होकर जन्म आधारित हो गई,
जन्म आधारित हो गई, यानी अब जो जिस जाति में जन्म लेगा वो कर्म चाहे कोई भी करे लेकिन उसकी जाति वही मानी जाएगी। ठीक है, एक जो बड़ा परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलता है वो ये है कि इन जातियों के बनने के बाद में एक तो जो विवाह होते थे वो अब दूसरी जाति में नहीं कर सकते थे, विवाह दूसरी जाति में नहीं कर सकते थे, यानी अन्य जाति के अंतर्गत जो विवाह होते थे पहले उसके ऊपर अब प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ साथ विवाह के साथ साथ में यहाँ क्या होता है कि खान पान, यानी एक जाति से दूसरी जाति में अब खान पान के ऊपर भी प्रतिबंध लगने लग गए, तो और समाज के अंदर अब कठोरता देखने को मिलती है। अब होगा क्या कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य हैं वो अलग हो जाएंगे और जो शूद्र हैं उनको समाज से अलग कर दिया जाएगा या अलग नजरिए से देखा जाएगा। तो यहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय व वैश्य इनको क्या होगा कि द्विज की श्रेणी में रखा जाएगा, द्विज की श्रेणी में रखा जाएगा, और जो शूद्र हैं उनको हीन भावना से देखना शुरू हो जाएगा। जो उस समय के व्याकरणाचार्य थे पाणिनि, इन्होंने शूद्रों के बारे में काफ़ी जानकारी दी है, तो ये कहते हैं कि उस समय दो प्रकार के शूद्र देखने को मिलते हैं। एक तो है निर्वसित शूद्र और दूसरा है अनिर्वसित शूद्र। तो जो निर्वसित शूद्र थे ये गांव से बाहर रहते थे, यानी जो बस्ती होती थी उससे बाहर होते थे, और जो अनिर्वसित शूद्र हैं वो गांव में रहते थे। अब होगा क्या कि जो निर्वसित शूद्र हैं इनको अछूत की श्रेणी में रखा जाना शुरू हो जाएगा, यानी शूद्र काल के अंदर शूद्रों के साथ में काफ़ी बड़ा भेदभाव किया जाता है, उनको दो भागों में बांटा जा रहा है, एक तो निर्वसित जो गांव से बाहर रहते थे बस्ती से बाहर रहते थे, और एक है अनिर्वसित जो गांव के अंदर रहते थे। अब जो निर्वसित हैं उनको अछूत की श्रेणी में रखना प्रारंभ हो जाएगा, अछूत की श्रेणी में रखा गया। और जो इनके अगर अधिकारों की बात करें तो अधिकारों के तौर के ऊपर ये अधिकार विहीन और निकृष्ट दृष्टि से इनको देखा जाता है। निकृष्ट दृष्टि से इनको देखा जाता है, कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में ऐसा बैरियर पैदा कर दिया जाता है कि एक समाज के एक वर्ग को निकृष्ट दृष्टि से और सिर्फ बेगार करवाने के लिए या फिर अपने जो उच्च वर्ण हैं उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इनको रखा जाता है या उनको काम वगैरह करवाया जाता है। एक इनके पास में ना तो अध्ययन की सुविधा है, यानी अध्ययन से इनको वंचित किया जाता है, ना ये लोग यज्ञ कर सकते हैं, ना तो अध्ययन कर सकते हैं ना यज्ञ कर सकते हैं, और ना ही किसी प्रकार का मंत्रोच्चारण कर सकते हैं, यानी हर चीज़ से इनको वंचित करने का प्रयास किया जाता है। सूत्रकाल के समय में इनको सिर्फ
एक काम दिया गया था और वो काम है अपने से ऊपर के वर्णों की सेवा। अपने से ऊपर के वर्णों की सेवा, ठीक है। धीरे धीरे होगा क्या कि सूत्रकाल में जो अस्पृश्यता है वो काफ़ी बड़े मात्रा के ऊपर बढ़ती जाएगी या फिर उसको बड़े पैमाने के ऊपर देखा जाने लगेगा और अलग अलग जातियां और बनने लग जाएंगी। अभी इसी समय होता क्या है कि एक जाति का उद्भव होता है या एक जाति विशेष घोषित की जाती है, वो है चांडाल। ये चांडाल जो जाति है इसको उस समय सबसे निकृष्ट जाति के रूप में माना जाता था। ये लोग बस्ती से बाहर रहते थे और जो निकृष्ट श्रेणी के कार्य हैं इनसे करवाए जाते थे। जैसे मान लीजिए कि मरे हुए पशु को उठवाना, उसकी चमड़ी उदड़वाना, या फिर कोई गांव में पशु मर गया उसको उठवाना, ये सब काम इनसे करवाए जाते थे। और ये जो जातियां इस समय जो स्पर्श जातियां इस समय जिनका उद्भव हो रहा है, वो उद्भव होने के पीछे कारण ये है कि जो प्रतिलोम विवाह हो रहे थे, यानी ये जो संतानें हो रही हैं उसका मेन कारण क्या था कि जो प्रतिलोम विवाह, या प्रतिलोम विवाह से तात्पर्य ये है कि जो उच्च वर्ण की कन्या जैसे ब्राह्मण कन्या है और निम्न वर्ण का पुरुष जैसे मान लीजिए शूद्र, इनसे जो संतान उत्पन्न होगी ऐसी संतान को चांडाल या फिर अस्पृश्य जाति के रूप में इस समय देखा गया। और इसी समय और भी जातियां होती हैं जो इस श्रेणी की हैं, जैसे मान लीजिए कि अम्बष्ट है, निषाद है, उग्र है, रथकार है, वैदेहक है आदि। इस प्रकार की जो जातियां हैं ये प्रतिलोम विवाह के कारण उत्पन्न होती हैं और उनको स्पर्श जातियों के रूप में अस्पर्श जातियों के तौर पर समाज में घोषित किया जाता है। और इसी समय अगर स्त्रियों के बारे में बात की जाए तो स्त्रियों की दशा भी काफ़ी निम्न थी। स्त्रियों की दशा भी काफ़ी निम्न श्रेणी की थी। बहुत एक तरीके से देखा जाए तो जो विधवा विवाह होता था वो विभिन्न शर्तों के ऊपर विधवा विवाह करने की छूट दी जाती थी, अन्यथा विधवा विवाह करने की छूट भी नहीं होती थी। और इस समय जो निम्न जातियां हैं उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाता था। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो इस समय जो सामाजिक जीवन है उसके ऊपर, खास करके जो निम्न जातियां हैं उनके ऊपर काफ़ी कठोर नियम लागू किए जाते हैं। अब अगर थोड़ा सा आर्थिक जीवन के बारे में देखा जाए, जो सूत्रकाल के अंतर्गत जो आर्थिक जीवन है उसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। और वो परिवर्तन किस रूप में है कि
कि इस समय आहत सिक्कों का प्रयोग होना शुरू हो जाता है। आहत सिक्कों का प्रयोग शुरू होता है। ये जो सिक्के हैं आहत सिक्के, ये चांदी के व तांबे के बने होते थे और इनको आहत इसलिए कहा जाता था कि इनके ऊपर किसी चित्र का या जैसे मान लीजिए कि किसी पेड़ का, पशु का या पक्षी का चित्र इनके ऊपर उकेर दिया जाता था पंच मार्क करके, इसलिए इनको आहत सिक्के कहा जाता है। और इन सिक्कों के आने के कारण क्या होगा कि अब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत गतिशीलता आएगी और अर्थव्यवस्था में एक तरीके से काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा आज का सूत्रकाल। धन्यवाद।